देश के लोकतंत्र के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण को और भी भव्य बनाने के लिए, ग्रैंड बनाने के लिए कई सारी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और उनमें से एक खास तैयारी जो है वो है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों को भी इस शपथ ग्रहण का साक्षी बनने के लिए राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया है। मेरे साथ ये जो सफाई कर्मचारी हैं, ये कुछ इनमें से जो है वो एमसीडी में भी कार्यरत हैं, एम्प्लॉयड हैं, और इन सबके हाथों में आप जो इनविटेशन कार्ड है राष्ट्रपति भवन की ओर से जो जारी किया गया है, इन सबके नाम का ये इन्विटेशन कार्ड शपथ ग्रहण समारोह का वो यहाँ पर लिया गया है। और देखिए, हम आपको अगर हम बताना चाहें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर श्री अनूप जी, जो कि इनका नाम है, की उपस्थिति राष्ट्रपति भवन में आज शाम को 7:15 बजे प्रार्थनीय है। तो ऐसे 30 सफाई कर्मचारियों को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम है। उत्साहित हैं आज शाम को? बहुत ज्यादा। पहली बार 75 सालों में हम शपथ ग्रहण में आए हैं और हम बड़े खुश हैं कि किसी ने हमें इस नज़र से देखा कि हम भी शपथ ग्रहण में आए। हम मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और हमारा ये सारा परिवार है, ये बड़ा खुश है कि आज हम इस सत्र तक पहुँचे। नहीं, हमें तो कोई 75 सालों में किसी ने आगे नहीं आने दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम आज गवाह इस चीज़ के कि मोदी जी की तीसरी टर्म में हम उनके साथ शपथ ग्रहण का हिस्सा हो रहे हैं। ये एक इतिहास की बात है। क्या मायने हैं आप लोगों को ऐसे, आप जैसे 30 और सफाई कर्मचारियों को शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने, साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया है, क्या मायने इसके समझते हैं आप लोग? नहीं, हमारे लिए, वाल्मीकि समाज के लिए और हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए बड़ी ये हर्ष का दिन है और खुशी का दिन है कि प्रधानमंत्री जी ने हमें इस लायक समझा कि आज जो है शपथ ग्रहण में हमें बुलाया और हमारे जो सफाई कर्मचारी को उन्होंने बुला के यहाँ मान सम्मान देने का कार्य किया है। इसलिए वाल्मीकि समाज और हमारा सफाई कर्मचारी उनका बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता है। और मोदी जी ने जो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए जो कार्य करे वो भी एक मोदी जी का कार्य। समाज में क्या संदेश जाएगा आपको क्या लगता है कि इस ये जो कदम उठाया गया है, आप जैसे 30 सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया शपथ ग्रहण में, इससे समाज में क्या संदेश? समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा जी, मोदी जी का जी। और मोदी जी ने वाल्मीकि समाज को निमंत्रण दिया है, मोदी जी का बहुत बहुत वाल्मीकि समाज धन्यवाद। खुश हैं, उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, उमंग हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम वाल्मीकि समाज को आज के दिन मोदी जी ने हमारे को जो एक सौभाग्य दिया है और बुलाया है नौते पे, और इसके लिए हम बड़े ही अपने तह दिल से उनका, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। और क्या नाम वाल्मीकि समाज का ये नाम रोशन किया है। ठीक है, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सर। अच्छा, सुरेंद्र जी, कभी जहन में आया था कि किसी शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री की, मोदी के या किसी भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा? नहीं सर, हमारा तो कभी नसीब में था ही नहीं जी ये, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं सर। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम इस लायक है, कि हमें इस लायक समझा कि हमें यहाँ तक बुलाया मोदी जी ने। बहुत आभारी उनके हम। क्या घर वालों से क्या बातचीत की, घर वालों की क्या डिमांड रहेगी, क्या फोटो खींचना है, सेल्फी खींचना है, इस तरह की कोई डिमांड? हाँ जी, घर वालों ने कहा शपथ ग्रहण में जा रहे हैं तो मोदी जी के साथ भी एक फोटो हो जाए और हमारे जो वाल्मीकि समाज में ये भी जाए कि भाई जो सफाई कर्मचारियों को ऐसा सम्मान मिला है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। ठीक है, खुश हैं। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। कितना खास है सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश जी, कितना खास है आप जैसे 30 सफाई कर्मचारियों को आमंत्रित करना प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह? देखिए, हमारे देश की प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अर्श और फर्श है। अर्श पर हमारे देश के सर्वोच्च पद पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जातीय समीकरण या छुआछात की दृष्टि से भी या जो कार्य करने की पद्धति से भी, फर्श पर वाल्मीकि समाज है। आज अर्श और फर्श का एक तरीके से
प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। ये अपने आप में एक बड़ी सौभाग्य की बात है, अन्यथा सफाई कर्मचारियों को ऐसा कोई बात नहीं है। आप फर्श पर क्यों हैं? आप भी समाज की का एक हिस्सा हैं, लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं, आपने भी अपने मत का प्रयोग किया होगा हम उम्मीद करते हैं। घर वालों की तरफ से कोई खास स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कोई फोटो खींचने के लिए उस पल का साक्षी बनने वो भी बन सके? निसंदेह देखिए, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ विश्व भर के सभी लोग एक फोटो ही नहीं उनका दीदार करने के लिए तरसते, तो निसंदेह हमारे परिवारों की भी एक उत्सुकता थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तथा हमारे देश के गृह मंत्री के साथ यदि अवसर मिले तो एक फोटो जरूर खींचा के लेके आए। क्या क्या डिमांड है, क्या तैयारी करके जाएंगे आप लोग? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज से पहले कभी 75 साल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सफाई कर्मी को, एमसीडी के सफाई कर्मी को या किसी भी देश के सफाई कर्मी को संसद भवन बुला के या राष्ट्रपति भवन में बुला के उस चीज़ का हिस्सा बनने के लिए, जो आज उस पल का हिस्सा बनने के लिए आज हमें बुलाया है, बड़ी खुशी है। और क्योंकि मेरी वाइफ भी इसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रही है, उन्होंने कहा जब आप जा रहे तो मुझे भी जाना है, और वो भी मेरे साथ आई हुई है आज, क्योंकि वो भी सफाई कर्मी है, तो बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो मोदी जी के साथ एक सेल्फी लेनी है बस। क्या इस खास मोमेंट के लिए क्या खास तैयारी की गई? इस मोमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, कम से कम मीडिया ने आके, स्पेशली एबीपी न्यूज़ के जो हमारे कैमरामैन और हमारे एडिटर साहब हैं, उन्होंने ये तो पूछा कि वाल्मीकि समाज भी इस दुनिया में है कहीं। तैयारी क्या है आपकी? तैयारी ये है कि मोदी जी के लिए तन से मन से और आजीवन उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए मैं मेरा शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, तो कुछ कपड़ा वपड़ा नया सिलवाए हैं, क्या तैयारी करके आए? पहन के आया हूँ जी, नए पहन के आया हूँ। इतनी खुशी है कि भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज के लिए ये सोच मोदी की सोच हो सकती है। 18वीं लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि वाल्मीकि समाज को पूछा गया है, नहीं तो हमें कौन पूछता था? सफाई कर्मचारी है जी, सफाई कर्मचारी है, जो कि इसको भी एक ऐसा दर्जा मिलना चाहिए वाल्मीकि समाज को, हमें तो सैनिक कहना चाहिए। तैयारी क्या करके जाएंगे, फैमिली वालों की तरफ से क्या रिक्वेस्ट आई? फैमिली का मैटर नहीं है, ना मैंने है, मैंने है देश का, समाज का, हमारी समाज को ऐसी जगह बुलाया गया है, हम गर्व तक खुश है जी, बहुत ज्यादा खुश है। रिक्वेस्ट नहीं करिए आपके परिवार वालों ने कि जाइएगा फोटो की? मेरे बेटी का फोन आया मेरठ से, उसी के फोन पर फोन गया था, कहने लगे पापा आप बड़े भाग्यशाली हो जो मोदी जी के कार्यक्रम में आप जा रहे हो। मेरा संदीप बोला बहुत अच्छा, मोदी जी बहुत बहुत समाज के लिए, समाज मेरा आगे निकले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कभी जहन में ये आया था कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कर सकता? हो ही नहीं सकता, कभी किसी सोचा तक नहीं है कि ऐसा एक समाज हिंदुस्तान में है। मोदी जी का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। मैं तो चाहता हूँ ये तीसरी बार नहीं चौथी बार भी वही बने, हमें बड़ा खुशी होगी। है आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू है जी। अच्छा पप्पू जी, क्या फैमिली की तरफ से क्या कोई खास रिक्वेस्ट आई है कि जब शपथ आया जी? रिक्वेस्ट ये है कि आपने फोटो वोटो खींच के लाना, और ये पता चले कि हाँ भाई आप मोदी जी के साथ वहाँ समारोह में गए थे, और हमें बड़ी खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जैसे गरीब आदमियों को बुलाया। क्या कोई खास तैयारी करके आए? जोड़ी कपड़े पहन के आए हैं। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? कम से कम 15 दिन हो गए इनको सिलवाए हुए, और आज नए जूते नए कपड़े यही पहन के आए हैं। ठीक है, तो देखिए ये है खुशी और उमंग का आलम यहाँ 30 जो सफाई कर्मचारी हैं उनके बीच में, क्योंकि कभी जो है वो इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये मौका इन्हें मिलेगा कि वो किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे, लेकिन अब जब वो घड़ी आ चुकी है तो सब अपनी तैयारी के साथ, और साथ ही अपने परिवार की जो खास रिक्वेस्ट आई है उसके की उस यादों को संजोना है, उस पल को संजोना है जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, उसको साथ लेकर के ये सभी वापस अपने घर को जाएंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार सिंह के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।